हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू GTA VST गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज कोड, जिसके ज़रिए आप जो है अपनी GTA VST की गेम में GTA 5 का हंटर हेलीकॉप्टर जो है मंगवा सकते हैं, वो भी एक चीज कोड के ज़रिए। तो दोस्तों, मुकम्मल प्रोसेस मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, मुकम्मल देखना है, ताकि आप भी अपनी GTA VST की गेम में इस हंटर हेलीकॉप्टर जो है, जो GTA 5 का है, उसे भी आप भी अपनी GTA VST की गेम में मंगवा सकें। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको जो है एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वो चीज को एक्टिव करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको इसका छोटा सा प्रोसेस भी बताऊंगा और इसका चीज कोड भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वो चीज कोड जो है एक्टिव कर देता हूँ। तो आपने देखा, ये जो है हमारा हंटर हेलीकॉप्टर, ये GTA 5 का हंटर हेलीकॉप्टर है। आप भी जो है इसका लुक वगैरह भी देख सकते हैं, तो कैसा ये बहुत ही बढ़िया लुक है इसका। तो चलिए जो एक और भी हम चीज कोड जो है दबा देते हैं। तो पहले जो है हम क्लियर जगह पे चलते हैं, ताकि साफ जगह पे जो है हमारा हंटर हेलीकॉप्टर गिरे। तो दोस्तों, आपने देखा ये है हमारा GTA 5 का हंटर हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों, आप भी इसको मंगवा सकते हैं अपनी GTA VST की गेम में। तो आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, इस फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से जाके इसे डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो आपके सामने दो फोल्डर और बन जाएंगे। तो आपने ये एम वाला फोल्डर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे ओपन कर लेना। जैसे आप जो है इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इसके स्क्रीनशॉट देखे, तो इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी GTA VST की गेम के ये हंटर हेलीकॉप्टर से रिप्लेस होगा। अगर आप और में करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद अपने GTA VST का गेम फोल्डर सिलेक्ट करना है और नीचे रीबिल्ड आर्चीव पे टिक करके इधर इंस्टॉल पे ओके कर देना और कंटिन्यू इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा मूड जो है ये आपके पीसी पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपके पास पीसी अच्छा होगा तो जल्दी में जो है ये जो है मूड इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा मूड जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए हम अपनी गेम को जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं आपको जो है वो चीज कोड बता दूँ और अपना जो ये हंटर हेलीकॉप्टर है GTA 5 वाला, इसमें बैठ के थोड़ा सा सैर भी करेंगे GTA VST का। तो दोस्तों, हमारे पास जो है 100% हमारी गेम जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम जो है अपनी GTA VST की गेम में थोड़ा सेफली जगह पे चलते हैं, ताकि जो है हम वो चीज कोड हंटर हेलीकॉप्टर वाला जो है एक्टिव करें। और दोस्तों, अगर आप हंटर हेलीकॉप्टर वाला चीज कोड एक्टिव करना चाहते हैं तो इसका वीडियो जो है मैं आपको एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, और उससे जाके जो है आप अपनी GTA VST की गेम में हंटर हेलीकॉप्टर किस तरीके से लेना है उस वीडियो को देख के आप जो है समझ सकते हैं। तो ये मैंने जो है स्पिनर यूज किया हुआ है, तो आपके पास अगर ये समझ है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम इस हंटर हेलीकॉप्टर में जो है इसे बैठाते हैं। तो दोस्तों, ये टोमी जो है इस तरीके से आपके हंटर हेलीकॉप्टर में नहीं बैठेगा, हो सकता है आपके सामने आपकी गेम में बैठ जाए। तो हम जो है इसमें कार का थोड़ा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टोमी जो है जब ऊपर जाएगा तो ही इसमें बैठ सकेगा। तो दोस्तों, आपने देख सकते हैं हमारी वीडियो में जो है हमें टोमी को जो है यहाँ से जंप करा के इस हंटर हेलीकॉप्टर के ऊपर ले जाऊँगा। आप जैसे इंटर को प्रेस करूँगा तो ये टोमी जो है हंटर हेलीकॉप्टर में बैठ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये टोमी जो है GTA 5 वाले हंटर हेलीकॉप्टर में बैठ चुका। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये हंटर हेलीकॉप्टर का अगर आपको चीज कोड पता नहीं है तो दोबारा से मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो का एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, आप जो है उसको देखकर अपनी GTA VST की गेम में किस तरीके से हंटर हेलीकॉप्टर मंगवाना है उसे सीख के इसे जो है मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दो वीडियो और लगाई गई हैं, आप चाहें तो उनका भी विजिट कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया और कमाल के हैं। तो दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली जो भी अगली वीडियो हो आप दोस्तों से मिस ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।